विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर के समीप छोटी सी बच्ची की होमगार्ड के जवान द्वारा पिटाई का जो वीडियो वायरल हुआ था उसको लेकर जांच शुरू हो गई है। इसके लिए विभाग ने बटालियन एडमिन ऑफिसर जगदीश ठाकुर को नियुक्त किया है। जगदीश ठाकुर अपनी टीम के सहित माता नैना देवी के दरबार में पहुंचे और मंदिर क्षेत्र में जहां घटना घटित हुई है उसके आसपास दुकानदारों, स्थानीय लोगों और पुजारी वर्ग से उन्होंने बयान दर्ज किए। विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर के समीप छोटी सी बच्ची की होमगार्ड के जवान द्वारा पिटाई का जो वीडियो वायरल हुआ था उसको लेकर जांच शुरू हो गई है। जांच टीम श्री नैना देवी पहुंची। इसके लिए विभाग ने बटालियन एडमिन ऑफिसर जगदीश ठाकुर को नियुक्त किया है। जगदीश ठाकुर अपनी टीम के साथ माता नैना देवी के दरबार पहुंचे और मंदिर क्षेत्र में जहां घटना घटित हुई है उसके आसपास दुकानदारों और स्थानीय लोगों, पुजारी वर्ग के लोगों से बयान दर्ज किए। जगदीश ठाकुर का कहना है कि मंदिर न्यास ने पहले ही इस होमगार्ड के जवान को ड्यूटी से हटा दिया है। हालांकि जांच की जा रही है कि मामला क्यों हुआ और कैसे हुआ, व्यापक जांच की जाएगी। स्थानीय लोगों के बयान भी कलमबद्ध किए जाएंगे और रिपोर्ट सौंपी जाएगी ताकि उचित कार्रवाई अमल में लाई जा सके। उनके साथ मंदिर होमगार्ड के इंचार्ज विवेंद्र गोल्डी भी मौजूद थे। जिसमें जो वो एक गृह रक्षक थे, भीख मांगने वाली लड़की के साथ मारपीट करता हुआ दिखाया है। उस सिलसिले में मैं छानबीन करने यहाँ आया हूँ। यहाँ उस गृह रक्षक को ऑलरेडी मंदिर न्यास अधिकारी द्वारा ड्यूटी से वापस किया गया है। इस सिलसिले में यहाँ पे छानबीन चल रही है और विभिन्न जो जहाँ घटना हुई है उसके साथ जहाँ जहाँ दुकानें हैं उन दुकानों के दुकानदारों से बातचीत की जाएगी और आगे जो निचोड़ निकलेगा, जो सही तथ्य सामने आएंगे तो उस विषय पे जो आगे उचित रिपोर्ट आदेशिक महोदय को दी जाएगी।